ज़माना कदीम में कैलाश के लोग ये लकड़ी से बनी जो चक्की थी इसका इस्तेमाल करते थे। इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर होता था और इसके नीचे जो एक सिस्टम था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये आप घर देखें, ये कितने खूबसूरत आप देख रहे हैं कि पत्थरों के साथ ये घर बनाए गए हैं। और अभी मैं आपको चक्की का सिस्टम दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चलती थी। ये आप नीचे देखें, आपको एक ये बड़ा सा चरखा नज़र आ रहा है, ये पानी के ज़ोर से घूमता था और ऊपर से वो चक्की जब घूमती थी तो जो गंदम वगैरह या चावल या जो चीज़ को भी ये लोग पीसना चाहते थे वो इसमें डालते थे और वो ऊपर से नीचे गिरते थे उसके दाने, और ये जब घूमता था तो वो उसकी रगड़ाई होती थी। इस बड़े से लकड़ी के जो एक मतलब के ड्रम नुमा या बॉक्स नुमा आप कह सकते हैं, इसके अंदर दाने और जो भी चीज़ वो पीसना चाहते थे वो डालते थे। और ये जो बड़ा सा लकड़ी का मैं आपको एक परनाला टाइप चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें से पानी नीचे जाता था और वो जो बड़ा सा चरखा था जैसे टर्बाइन होता है ये पानी के ज़ोर से घूमता था। और उसके अलावा ये मैं आपको म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ, ये कैलाश का म्यूज़ियम है। इसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी सकाफत के रिलेटेड, वो किस तरह से रहते थे। अभी भी वैसे ही उनके घर हैं लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले उनका रहन सहन कैसा था और किस तरह से वो खाते पीते थे, उनके घरों के अंदर की जो सेटिंग थी वो कैसी थी। ये जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ये भी वो चक्कियों के जो जिससे रगड़ाई और पिसाई करते थे। अब ये मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ और लेकिन मैं आपको और अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। कोशिश करूँगा फिर भी मैं जो चीज़ें आपको दिखा सकूँ। वो ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा, ये जो फटा कटा पड़ा है ये सीढ़ी थी जो उनके छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर घर हैं। ये देखें, ये उनकी सेटिंग देखें आप, इस तरह के फर्नीचर और घर के अंदर जो छोटा सा कोई ड्राइंग रूम था वो इस तरह से बने होते थे उनके। और ये उनके फर्नीचर भी पड़े हुए हैं। और ये देखें, ये जो चीज़ें यहाँ से कुछ हिस्ट्रिकल मिली हैं इनको, और जो यहाँ की सकाफत है, जो यहाँ की आर्ट है, ये आप देखें, ये भी आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत कुछ है यहाँ पे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये देखें, ये भी इनकी कदीम जो इनके अंदर हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा, ये देखें। बताएं कैसा लग रहा है म्यूज़ियम में आके आपको? आपने पुरानी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे? कैसी थी? अच्छी थी, यूनिक थी, जो हमने कभी नहीं देखी। क्या क्या देखा है? उनके ड्रेसेस, किसी एक चीज़ का नाम बता दें आप। ड्रेसेस देखी हैं उनकी, जो रिहाइश है जैसे वो रहते थे, कल्चर देखा उनका। तो यही होता है, ड्रेस ही देखी हैं। वो तो बोरी वाले ड्रेस थे, वो गानी वाले सेट नहीं देखे। कौन से? जो गानी वाले थे वो कौन से? उनका एक पीछे पहनने वाला हेडगियर। अच्छा, वो बास्केट थी स्पेशली, बैग बास्केट, जो कि आपने अक्सर चाय के बागात में लोगों को देखा। हाँ जी, बेसिकली लाइट थी, उसको कैरी करने के लिए आपने साथ रखा। और उनका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो इन्होंने यहाँ ला के रखा हुआ है, शायद आप सब लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी देखा हो। जी जी, उसमें एक हैमा बना होता है, उसके दरमियान में एक चूल्हा रखा होता है और उस पर कुकिंग हो रही है। जी जी जी, और धुआं भी अंदर नहीं होता, वो बाहर जाता है सारा। अब इसी तरह का वो एक हाउस है, उनकी लिविंग जो दिखाई हुई है उससे लगता है कि काफ़ी हद तक उनकी और इनकी जो लिविंग है वो मैच करती है। चूल्हा था, दो चारपाइयाँ, बिल्कुल कुछ कुर्सियाँ रखी गई थी, हालांकि उस जमाने में कुर्सियाँ या चारपाइयाँ या पीढ़ी नहीं थी। ये भी कैलाशी खातून की डमी पड़ी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।